hello and welcome back everyone last time we wrote the compo of myself in your notebook now you all know all the five points of myself you also know the spelling of your name now na? we will do the same today we will write the compo of myself one more time in your notebook after writing it we will continue the reading of story of tom and मिक from फोनिक प्राइमर हमने पेज नंबर ट्वेंटी फोर से पेज नंबर ट्वेंटी नाइन तक रीड कर लिए वो सब मैं फिर से रीड करवाऊंगी और उसके बाद आज का है नया पेज है पेज नंबर थ्री जीरो थर्टी लो दिस इज टूडेज पेज पेज नंबर थ्री जीरो थर्टी यू कैन सी टू फ्रेंड्स टॉम एंड गोइंग फॉर अ वॉक okay we will read this page today so be ready for the reading and the writing work students open your notebook today we will revise the compo of myself first of all let's give the heading capital m my my s e LF Myself The first point of myself is I am a boy or I am a girl. We have to write it with me only, okay? I am a boy. Or a boy. और गर्ल जी आई आर एल गर्ल फुल स्टॉप ओके सेकेंड पॉइंट किस बारे में है आपके नाम के बारे में है My name is, माई नेम इज माय माई नेम नेम का स्पेलिंग क्या होगा एन ए एम ई नेम इज देन यू टू राइट योर नेम विथ द फर्स्ट लेटर कैपिटल और वो लिखने के बाद सेंटेंस एंड करने होने पे आप क्या करोगे फुल स्टॉप करोगे फिर है आपकी एज के बारे में राइट डाउन आई M. If you are of five years, you have to write down five. F I V E five. Five. And if you are six years, you have so, uh, to write six. 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 I am five or I am six years. Y. E A R S years old O L D Old First Next point is about the class in which you study. I स्टडी एस डी यू डी वाई स्टडी एन सीनियर के जी सीनियर के जी कैसे लिखेंगे कैपिटल एस आर डॉट ये सीनियर का शॉर्ट फॉर्म हुआ फो कैपिटल के डॉट कैपिटल जी एंड फुल स्टॉप और लास्ट पॉइंट होगा माई सेल्फ का आई लव माई स्कूल आई लव एल ओ वी ई लव मय माई स्कूल एस सी एच डबल ओ एल स्कूल ओके सो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ माइसेफ का कॉम्पो एक बार रीड करवा देती हूँ आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल फुल स्टॉप फिर अगर आप सबको ऐसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम तो आप कैसे आंसर दोगे माई नेम इज देन यू ऑर टू राइट डाउन यूर नेम और एंड में फुल स्टॉप करोग आपका नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसे होना चाहिए कैपिटल देन इफ एनी बडी आस्क यू हाउ ओल्ड आर यू माने आप कितने साल के हों तो आप कैसे लिखोगे आंसर करोगे आई एम इफ यू आर फाइव इर्स ओल्ड तो यू विल से आई एम फाइव यर्स ओल्ड और अगर आपकी एज सिक्स की है तो आप लिखोगे आई एम सिक्स ओल्ड ओके फिर इफ एनी बडी यू आपको ऐसा कोई पूछता है कि इन विच क्लास डू यू स्टडी माने आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो तो आपको पता है ना आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो सीनियर के जी में पढ़ते हो तो आप ऐसे बोलोगे या लिखोगे आई स्टडी इन Senior KG. Okay? And the last point of myself is I love my school. Full stop. Okay, kids? Now, let's start reading the story of Tom and Mick. First page, say karenge, page number 2424. Se. See the Fat Cat. See the Fat Cat. Full stop. His NAME name is Tom. Full stop. He has S -O -F -T SOFT soft fur. On his body, B O D Y body. Tom says M E O W meow meow. Okay, next page. This is M I C K Mick. Full stop. he is a rat full stop he is not fat full stop he likes क्या होता है likes to eat eat मतलब खाना केक सी ए के ई केक माने उसको केक खानी पसंद है नेक्स्ट पेज टॉम एंड मेक आर पाल्स पी ए एल एस पाल्स पाल्स मतलब फ्रेंड्स और यहाँ पे दो के नाम यूज हुए इसलिए बीच में क्या यूज हुआ एंड यूज हुआ और मोर देन वन पर्सन है मोर देन वन एनिमल की बात करें तो हमने क्या यूज किया आर यूज किया ओके नेक्स्ट इज टॉम लिवस इन अ हट फुल स्टॉप द हट मेड ऑफ मड फुल स्टॉप एट एज बी एसई एसी फुल स्टॉप ये वाला सी कौन सा है दरिया वाला सी है ओके नेक्स्ट पेज मे एल आई वीई एस लेन अ होल एच ओ एल ई होल फुल स्टॉप में कहा पे रहता है होल में रहता है द होल इज एम ए डी ई मेड ऑफ सेंड फुल स्टॉप एट हैज नो डी डबल ओ आर डोर फुल स्टॉप ये होल है जो उसका मिक्का घर है उसको कोई डोर कोई दरवाजा नहीं है एट is नेक्स्ट एन ई एक्स टी नेक्स्ट टू टॉम्स टी ओ एम एफी एस हट फुल ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ

नेक्स्ट पेज टॉम हैज एम आई एल के मिल्क एन मग फुल स्टॉप टॉम के मग में क्या है मिल्क है एंड ही इट्स ई ए टी क्या होता है इट आगे भी ये वर्ड आ चुका है और उसके पीछे क्या लगा है एस इट्स एन एग ई डबल जी एग वो क्या खा रहा है एग खा रहा है एग मतलब अंडा मेक -E मतलब चाय इन अप मिक मिक के पास जो कप है उसमें क्या है टी है चाय है फिर एंड ही अ बन और और क्या खा रहा है चाय पी रहा है और क्या खा रहा है बन खा रहा है। बन पे उसने क्या लगाया हुआ है जाम लगाया हुआ नेक्स्ट पेज इन द न्यू वन। आज का जो पेज कर रहे रीडिंग वो वाला चलो अभी सबसे पहले ये पिक्चर में क्या दिखाया गया है टॉम एंड मिक अभी भी बीच पे है वो लोग अभी मैट पे नहीं बैठे है दे आर वॉकिंग वो दोनों वॉक पे निकले हैं और पीछे सी है और यहाँ पे आपको ये दिस वॉट इज दिस इज अ बोट तो अभी पढ़ते हैं टॉम ए डी एंड मेक गो ग ओ गो एफ ओ आर फॉर अ डब्ल्यू ए एल के वॉक टॉम एंड मेक गो फॉर अ वॉक फुल स्टॉप इसका मीनिंग क्या हुआ कि टॉम और मेक है दोनों जो फ्रेंड्स है वो कहा जा रहे हैं वॉक के लिए जा रहे आपके घर पे कोई जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए या तो फिर रात को कोई जाता है इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ फिर से पढ़ती हूँ ये सेंटेंस टॉम एंड मेक गो फॉर अ डबल्यू ए एल के वॉक फुल स्टॉप एच ई वाई फिर से आया आगे भी आ चुका है दे एस डबल ई सी ये सी माने देखना आ, B -O -A T बोट उनको क्या दिखाई दे रहा है बोट दिखाई दे रहा है बी देखो एक में ही दो ऐसे वर्ड्स आए जिसको सी बोल रहे हैं ये एस डबल सी है वो इसका मतलब देखना होता है और ये S E ए सी है इसका मतलब दरिया होता है दे दे किसके लिए यूज हुआ है टॉम एंड मिक के लिए टॉम एंड मिक क्या देख रहे हैं? एक बोट देख रहे बी ओ ए टी बोट एक बोट देख रहे हैं और बोट कहाँ पे है सी के पास है सी के नजदीक है बाय द सी ओके अभी एट एस अ ये कौन सा वर्ड है हमने पढ़ा हुआ है ना ब्लाइस में भी पढ़ा था और नेम्स ऑफ कलर्स में भी पढ़ा था ब्ल बी एल ब्ल, ब्ल ए सी के ब्लैक बोट फुल स्टॉप बोट कौन से कलर की है ब्लैक कलर की है इट इज अ ब्लैक बोट फुल स्टॉप धे टी एच ई वाई धे धे यहाँ पे किसकी बात कर रहा है टॉम एन मिक है गेट ग ए एट अ गेट इन टू ये देखो साथ में लिखा ये साथ में पढ़ना है आपको आई एन 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 ट ओ टू धे गेट इन टू माने वो लोग किस में बैठ रहे बोट में बैठ रहे है बोट के अंदर बैठ रहे दे गेट इन टू द बोट फुल स्टॉप टॉम एंड मेक कहाँ पे बैठ रहे है दे गेट इन टू द बोट बोट के अंदर चल फिर से ये रिवाइज करवा दी हूँ टॉम एंड मेक गो फॉर अ वॉक डब्ल्यू ए एल के वॉक मतलब चल रहे हैं इसे धे टी एचीवाई C एस डबल ई सी अ टी बोट बाय C एस ई ए सी वो लोग क्या देख रहे हैं एक बोट देख रहे हैं वो बोट कहाँ पे है सी के पास है नजदीक है एट एस ब्लैक बोट बोट कौन से कलर की है ब्लैक कलर की है दे टी एच ई वाई दे गैट इन टू इन टू साथ में बोलेंगे दे गैट इन टू द बोट वो दोनों बोट में बैठ जाते हैं ओके के आपको याद रखना है आपको सारे पेजेस का रीडिंग रेगुलरली करना है अगर नहीं करोगे तो इतना इजीली नहीं आएगा फिर नेक्स्ट ईयर जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आओगे ना तो इससे भी लंबे लंबे और बड़े बड़े वर्ड्स और सेंटेंसेज आएंगे तो अभी ये अच्छी तरह से नहीं रीड कर पाओगे तो आगे तो बिल्कुल नहीं आएगा सो पक्का प्रैक्टिस करोगे ना ओके बाय एवरी टेक केयर